गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका पोर्शन तो कंप्लीट हो चुका है टेक्स्ट बुक का पढ़ा के। आज मैं थोड़ा आपको ग्रामर का पोर्शन रिवाइज करवाऊंगी। ओके, ग्रामर आपको पता है, व्याकरण, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मैं दूंगी। टुडे दिस लेसन इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए से लेके जेड तक। ओके, दैट ऐसे जो सीरीज में लाइन्स हम लोग बोलते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं। ओके, अपने टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेटिक में। इंग्लिश का जो ए बी सी डी है ना, अगर आप ए बी सी डी ए से लेकर जेड तक लिखो ना और उसको गिनो, तो आपको 26 लेटर्स उसमें मिलेंगे। द ऑर्डर ऑफ द लेटर इज ए बी सी, तो आपको उसका लाइन कैसा है, ए बी सी डी ई एफ जी, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक सिस्टमेटिक, जैसे वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, ऐसा होता है ना, वैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी डी ई एफ, ऐसे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो दिस इज कॉल्ड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स हमें दिखाए गए हैं, ध्यान से देखिए। तो उनको आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। मतलब पहले जो ए अक्षर से आएगा उसको, उस शब्द को पहले लिखना है। अगर बी अक्षर से कोई शब्द इसमें आ रहा है तो बी का लिखे, अगर बी नहीं आ रहा है तो सी का आ रहा है तो सी का लिखे। मतलब ए बी सी ऐसे सीक्वेंस में आना चाहिए। नाउ सी ओवर, यहाँ पे नेक दिया है, चीक दिया है, हाई दिया है, हार्म, लेग, फुट, स्टमक और माउथ। अभी यहाँ पे फोर वर्ड्स दिए गए हैं। अभी हमको क्या करना है, इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब पहले ए से कोई शब्द चालू होता है कि देखना है, ए से कौन सा शब्द यहाँ पे चालू होता है, आम, ए से। ओके, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ए, अभी ए से ये शब्द चालू होता है तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे आम, क्योंकि ए पहला लेटर होता है आम। ओके, आम को हम लोग पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी उसके बाद देखना है बी, बी से कोई वर्ड आता है यहाँ पे, कोई वर्ड नहीं है। बी के बाद आता है सी, तो सी, अभी देखिए सी फॉर चीक, तो आपको उसके बाद में सी लिखना है। सी का वर्ड से जो स्टार्ट होता है उसको हमें लिखना है। सी के बाद कौन सा आता है, डी, डी का कोई वर्ड है नहीं, ई का कोई वर्ड है, यस इट इज य, आई आपकी आंखें। तो पहले क्या लिखोगे, आम लिखोगे, आम के बाद आता है बी नहीं है, सी से वर्ड आ रहा है यहाँ पे, चीक लिखोगे, चीक के बाद डी का कोई वर्ड नहीं है, फिर आता है ही, ई का वर्ड इसमें से हाई आता है, तो थर्ड हम लोग उसको लिखेंगे हाई ना। ई के बाद एफ़ आता है, एफ कौन सा है, फुट। ओके, तो उसके बाद आई के बाद हम लोग फुट लिखेंगे, क्योंकि ई के बाद कौन सा लेटर आता है, एफ़। ओके, देख रहे हो, ई के, ए ई के बाद आता है एफ, तो फुट, फुट लिखेंगे, ई के बाद फुट लिखेंगे। इसके बाद में एफ के बाद आता है जी, जी से कोई वर्ड है नहीं, फिर जी के बाद एच आई, ऐसा हमें देखना है, तो जी के बाद नहीं है, जी का कोई वर्ड नहीं है, एच का वर्ड नहीं है, आई का कोई वर्ड है नो, जे के कोई वर्ड नहीं है, एल नहीं है, यम। ओके, माउथ, अभी यम, इसके बाद में यम जो होता है, यम से क्या आया है, माउथ, माउथ का, तो माउथ लिखना है। यम के बाद यन आता है, फिर नेक लिखना है, और नेक के बाद लास्ट में आता है स्टमक, यस। तो वैसे आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, आर्म, चीक, हाई, फुट, लेग, माउथ, नेक और स्टमक। इसको हम लोग ने क्या किया, अल्फाबेटिकली अरेंज किया है। पहले जो अक्षर है वो एक के पीछे है, उसके बाद आने वाले शब्दों का इस्तेमाल करके लाइन में अरेंज किया। दिस इज कॉल्ड एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के भी दिए हैं, इसको भी हमें ये करना है, ग्रेप से, पियर से, एप्पल से, ऑरेंज से, बनाना है, मैंगो, चीकू, फिक्स।
अभी पहले अक्षर किससे आता है, ए से आता है, तो एप्पल आएगा। ओके, एप्पल के बाद कौन सा अक्षर आता है, लेटर आता है, बी, बनाना। तो एप्पल के बाद आपको बनाना लिखना है। बी के बाद कौन सा आता है, सी। सी से क्या आता है, चिकू। डी से कोई वर्ड्स है यहाँ पे, नहीं। डी के बाद ई कोई वर्ड्स है, ई से नहीं। तो उसके बाद आता है ई के बाद एफ आता है, एफ से कौन से वर्ड्स है, फिक्स। ओके, तो फिक्स लिखना है। तो इस तरह हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। एफ के बाद जी, जी से ग्रेप्स, एम से मैंगो, ओ से ऑरेंज और पी से पियर। ओके, इस तरह हमने क्या किया, इस लेटर्स के हिसाब से जो स्टार्टिंग लेटर है उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करते हुए सारे फ्रूट्स को हमने अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए बी सी डी ई एफ जी, जो लाइन से जाता है उससे अरेंज करना है। ना उसके बाद हम लोग वोवल्स एंड कॉन्सनेंट्स लेंगे। वोवल्स आपको पता है, मैंने बताया ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। उसमें से 26 लेटर में से 5 ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको हम वोवल्स बोलते हैं, और वो कौन से है, ए ई आई ओ यू, इनको हम लोग वोवल्स बोलते हैं। और ये अक्षर से स्टार्ट होने वाले जो भी शब्द है उनके सामने हम लोग एन लगाते हैं। जैसे ए से एप्पल स्टार्ट होता है, एन एप्पल। हैग ई से स्टार्ट होता है, एन हैग। आइसक्रीम चालू होता है हाई से, तो एन आइसक्रीम। एन ऑरेंज जूस, एन अम्ब्रेला। यानी ओवल्स के सामने हम लोग को क्या डालना है, एन डालना है। तो कितने 5 ओवल्स होते हैं, वाई 5 ओवल्स रहते हैं, उसके सामने आपको हैंड डाल के आपको शब्द बनाने रहते। तो देर आर 5 ओवल्स इन द अल्फाबेटिकल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, 26 लेटर में से 5 ओवल्स होते हैं, बाकी के जो 21 रहते हैं उनको हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। और इसका बाकी के जो कॉन्सोनेंट्स मतलब उसके बाद बी सी डी, सी डी एफ जी एच जे के, ये सारे लेटर्स जो है ये कॉन्सोनेंट होते हैं। और इन शब्दों से चालू होने वर्ड से उसके सामने या तो हम लोग ए डालते हैं या द डालते हैं। ओके, तो ये हुए कितने हैं, 5 वोवल्स है और 21 कॉन्सोनेंट्स है। अभी यहाँ पे कुछ वोवल्स और कॉन्सोनेंट को वोवल्स को यूज़ करते हुए आपको शब्द बनाने हैं। यहाँ पे मैं आपको दूंगी, आपको वोवल्स का इस्तेमाल करते हुए आपको शब्द बनाने हैं। ओके, तो आपको ये ग्रामर का पोर्शन, इससे पहले भी आप लोगों को थोड़ा पढ़ाया होगा ग्रामर का पोर्शन, क्या क्या है, वोवल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या करता है। बाकी इसके अलावा और भी कुछ ग्रामर के पोर्शन आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैं एक्सप्लेन करूँगी। अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर और वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स जो आपको मैंने अभी सिखाया, रिवाइज करवाया, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और उसके हिसाब से आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा वो आपको करना है। ओके, थैंक यू चाइल्ड।